हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। आइए समझते हैं कि आज के इस वीडियो में खास क्या है। यहां पर देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट वाले टेबल में ये जो आईडी है इसे बनाया गया है प्राइमरी की, और यहाँ पर दिया गया है कि प्रोडक्ट का नेम क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोडक्ट की प्राइस आई हुई है, ये देख सकते हैं, और इतनी चीजें जो है प्रोडक्ट वाले टेबल में दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे टेबल की जिसका कि नाम है कस्टमर। तो कस्टमर वाले टेबल में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा कस्टमर आईडी दिया गया, यानी इस वाले टेबल में यानी कस्टमर वाले टेबल में कस्टमर आईडी को बनाया गया है प्राइमरी की, ठीक है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है क्या आईडी, यानी ये वो वाली आईडी है जो प्रोडक्ट वाली आईडी में कॉमन है, यानी प्रोडक्ट वाली आईडी और कस्टमर वाली आईडी ये दोनों सेम है। यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर्स के नेम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि इस पर हम लोग आगे भी काम कर सकें, मतलब इसको रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराया जाए एसक्यूएल व्यू में वो भी हम कर सकें। तो अब इसको क्लोज करता हूँ प्रोडक्ट वाले टेबल को, साथ ही साथ इसको भी क्लोज कर देते हैं कस्टमर वाले टेबल को। अब हमें एक न्यू क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाके कहाँ जाना है, सीधा क्वेरी डिजाइन पे आना है, और यहाँ पर आपको एसक्यूएल नजर आ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है सेलेक्ट करना है, तो ये लिख दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और अब चूंकि हमारा मेन टेबल जो है प्रोडक्ट वाला है, तो प्रोडक्ट वाले टेबल जैसे लिखा हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है प्रोडक्ट, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। और चूंकि टेबल का नाम है प्रोडक्ट तो यहाँ पे डॉट लगाइए। अब इसमें से कौन सा फील्ड हमें सेलेक्ट करना है ये हमें चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर प्राइस भी दिया गया है, तो हम चाहे तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिखा गया है नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पी कैपिटल है या स्मॉल है ये तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का पी जो है स्मॉल है, तो हमको भी यहाँ पे स्मॉल ही देना है, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमा लगाना है, इसके साथ साथ एसोसिएट क्या कराना है, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कराना है नेम ऑफ कस्टमर को, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर परचेज कर रहा है ये हमें देखना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर, क्योंकि हमारे टेबल का क्या नाम है ये कस्टमर नाम है, तो इसी के साथ इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर, ये हो गया कस्टमर, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे कर देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर कर देंगे, तो ये हो गया कस्टमर। और कस्टमर लिख करके क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम कर दिया हमने, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा PRODUCT, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर करके नीचे आना है, और अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करवाना है दोनों को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इनर ज्वाइन, और इसमें गैप अलाउ है, इसमें आपको गैप देना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर को ज्वाइन, टेबल का नाम तो कस्टमर ही है, तो ये लिख दिया कस्टमर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी की बात आएगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जरा देखिए यहाँ पर आईडी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आईडी दिया गया है, तो यहाँ पर हमें आईडी ही देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल का नाम है प्रोडक्ट और यहाँ पर आईडी को ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे दे दिया आईडी इज इक्वल टू, अब किसके साथ ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे कस्टमर वाली टेबल है, तो यहाँ पे कस्टमर लिख दिया हमने, और कस्टमर लिखने के बाद डॉट कस्टमर आईडी कर देंगे, तो ये हो गया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और ये लिख करके बस काम हो गया है, अब ये ज्वाइनिंग वाला काम हो गया। तो क्या करेंगे, तो यहां से करना है टर्मिनेट, और टर्मिनेट करके इस टेबल को पहले तो क्लोज कर लीजिएगा जरूर, और ये क्लोज हो गया, अब हमारा काम हो गया है। और अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्वेरी चलनी चाहिए, तो क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और डिजाइन पे जाकर रन पे क्लिक कर देना है। और जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहां पर प्रोडक्ट के नेम के साथ कस्टमर का नेम भी एसोसिएट होता हुआ नजर आएगा। तो ये इनर ज्वाइन का कमाल है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ एसक्यूएल सर्वर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनर ज्वाइन के बाद आउटर ज्वाइन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि आउटर ज्वाइन कैसे कराना है, ठीक है।
तब तक के लिए तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये कैसे करना है। तो अब अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।